हेलो गाइस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये लेक्चर 14 है जिसमें हम लोग HTML का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम लोग टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो टेबल तो आप लोग जानते ही हैं, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम लोग टेबल बोलते हैं। टेबल के ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करके देखेंगे टेबल के टैग के साथ, और इसके साथ साथ इसके कुछ एम्बेडेड टैग्स भी हैं। एम्बेडेड टैग का मतलब होता है कुछ ऐसे टैग्स जो किसी पर्टिकुलर टैग के अंडर में यूज़ होते हैं, उसके पार्ट होते हैं। तो टेबल में टेबल की रो क्रिएट करने के लिए हम लोग टी आर टैग को यूज़ करते हैं, टेबल की हेडर क्रिएट करने के लिए हम लोग टी एच यूज़ करते हैं। तो ये एम्बेडेड टैग हैं टेबल के, टी डी टेबल की डेटा सेल को क्रिएट करने के लिए होता है। तो आइए सीधे चलते हैं नोट पैड पे और ये प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको टेबल लिखना है और टेबल को क्लोज कर दीजिएगा। तो ये रहा आपका टेबल टैग जो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो टेबल में मान लीजिए हम तीन रो बनाना चाहते हैं और तीन या चार कॉलम बनाना चाहते हैं, तो हमें टी आर स्टार्ट करना है, टी आर को कर देना है क्लोज। ये फर्स्ट रो हो गई, टी आर स्टार्ट करिए, टी आर को कर दीजिए क्लोज। ये सेकेंड रो हो गई, इसके बाद फिर से टी आर को स्टार्ट करिए और टी आर को कर दीजिए क्लोज। ये थर्ड रो हो गई। तो टेबल रो क्रिएट करने के लिए हम टी आर यूज करेंगे, टेबल रो क्रिएट करेगा ये। अब टेबल रो जो बनेगी उसके अंदर कितने कॉलम रखने हैं, तो हम टी डी लगाएंगे पहली सेल के लिए। फर्स्ट रो की फर्स्ट सेल उसमें क्या आएगा, नेम, टी डी को कर दीजिए क्लोज। इसके बाद फर्स्ट रो की सेकेंड सेल में क्या आएगा, हमने कहा क्लास, टी डी को फिर से क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद टी डी लगाया, हमने कहा ये थर्ड कॉलम है और इस थर्ड कॉलम में यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस, फिर से टी डी को क्लोज कर दिया। एक और बना लेते हैं, मान लीजिए टी डी हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे दे दिया कॉन्टैक्ट, टी डी क्लोज। तो फर्स्ट रो में चार कॉलम है। तो अभी सिर्फ इतना ही सेव करते हैं और अपनी वेब ब्राउजर फाइल में जाते हैं जहाँ पे हमने इसको प्रिंट कराया होगा, ये रही फाइल। इसको रिफ्रेश करिए, देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है, क्लास, एड्रेस और कॉन्टैक्ट आ रहा है। अब नेम के नीचे कोई नेम होना चाहिए, क्लास के नीचे क्लास, एड्रेस के नीचे एड्रेस और कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट। तो ये फर्स्ट रो है जिसमें चार कॉलम यानी चार सेल हैं। अभी हमें सेकेंड रो क्रिएट करनी है, तो हम अपने प्रोग्राम में आते हैं। ये रहा हमारा प्रोग्राम, और सेकेंड रो में हम टी डी में कोई नाम दे देते हैं, विकास सिंह, टी डी को करते हैं क्लोज। तो ये जो नेम है ये नेम के ठीक नीचे आएगा। अब क्लास के नीचे क्या आना चाहिए, तो ये रहा सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, टी डी, क्लास में हमने दे दिया मान लीजिए फिफ्थ क्लास, के बाद टी डी को कर दिया क्लोज। अब थर्ड जो सेल है वो एड्रेस के नीचे आएगी, तो टी डी में एड्रेस दिया मान लीजिए लखनऊ, क्लोज कर दिया टी डी। इसके बाद फोर्थ में जो आएगा वो कॉन्टैक्ट के नीचे आएगा, तो टी डी को हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट दे दिया ऐसे करके, टी डी को कर दिया क्लोज। इसको सेव करिए और अपने प्रोग्राम के आउटपुट में जाइए, इसको रिफ्रेश करिए। ये देखिए यहाँ पे नेम के नीचे आ रहा है, क्लास के नीचे ये आ रहा है, एड्रेस के नीचे ये आ रहा है और कॉन्टैक्ट के नीचे ये, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, इसको मैनेज करते हैं। टेबल के अंदर जाइए और यहाँ पे बॉर्डर लिखिए, बॉर्डर एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे बॉर्डर लगा के बॉर्डर का साइज बताइए, दो के साइज की बॉर्डर आ जाए। इसको सेव करिए, प्रोग्राम में चाहिए, रिफ्रेश करिए। देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ चुकी है। अभी देखिए ये वाला जो सेल है एड्रेस के नीचे एड्रेस नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? टी डी को यहाँ पे क्लोज करना था, क्लोज कर दीजिए, सेव करिए इसको, फाइल पर आइए, रिफ्रेश करिए। तो ये देखिए ये एडजस्ट हो गया। अब टेबल थोड़ी सी छोटी लग रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए हाइट इसकी, HEIGHT, हाइट कितनी कर देते हैं, हमने कहा 40% कर देते हैं। पिक्सल में भी दे सकते हैं, 400, 500 ऐसे करके, या फिर परसेंटेज में दे सकते हैं। विड्थ भी दे देते हैं कितनी, हमने कहा 50%। इसको सेव करिए, प्रोग्राम में इसका आउटपुट देख सकते हैं, ये रही हमारी टेबल। तो दो रो हैं हमारे पास, थर्ड रो भी हमने बनाई थी उसको भी यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। ये रही हमारी थर्ड रो टी आर, यहाँ पे हमने फिर से टी डी लगाया और टी डी में हमने एक नाम दे दिया मान लीजिए कि गुलाब चंद्रा, टी डी क्लोज कर दिया। एक और टी डी लगाते हैं, उसके नीचे क्या आएगा, क्लास आएगी, फोर्थ क्लास हमने कर दिया टी डी,
टी डी फिर से स्टार्ट किया हमने, इसको दे दिया कानपुर, टी डी क्लोज, और फिर से एक टी डी लगाया कॉन्टैक्ट देने के लिए, और हमने यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट दे दिया, इसको करते हैं क्लोज, सेव करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अब देखिए जो फर्स्ट वाली रो होती है इसको हम बोलते हैं टेबल की हेडर रो, हेडिंग के लिए बनाया जाता है। तो अगर इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाए बी टैग लगा करके तो ज़्यादा बेटर होगा, बट बी टैग लगाने की नीड नहीं है। टेबल के साथ एक और टैग होता है टी एच, जो कहता है कि जो टेबल रो बनानी है उसको टी एच करके लिखिए, तो टी डी हटा दीजिए फर्स्ट वाली रो से और टी एच कर दीजिए, ये है टेबल हेडर। यहाँ से भी हटा के टी एच कर दीजिए, इसको सेव करते हैं, प्रोग्राम में आके रिफ्रेश, तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये सेंटर पे भी आ गया है और इसको बोल्ड भी कर दिया है, तो टेबल हेडर को हेडर की स्टाइल में उसने ऑटोमेटिक बना दिया, थोड़ा सा स्पेशल। अब मान लीजिए टेबल की बॉर्डर को कुछ कलर देना है, तो बॉर्डर कलर यहाँ पे लिखिएगा और इक्वल करके कलर का नाम दे दीजिए, तो ये बॉर्डर का कलर भी दे देगा, ये देखिए बॉर्डर कलर रेड कलर से आ गई। हमारे पास एक टैग है सेल पैडिंग इक्वल, यहाँ पे 20 कर दीजिए, इसको सेव करिए और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दीजिए, तो देखिए ये जो यहाँ पे कॉर्नर से था वो थोड़ा सा आगे आ गया, इसको और अगर आप बढ़ाना चाहें मान लीजिए हमने यहाँ पे 30 कर दिया, इसको आकर रिफ्रेश करिए, देखिए थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गई। तो ये क्या करता है टेबल की बॉर्डर से मैटर को थोड़ा डिस्टेंस में ले जाता है। सेल स्पेसिंग है हमारे पास, सेल स्पेसिंग करते हैं, एक सेल को दूसरी सेल से डिस्टेंस देने के लिए होता है, 10 कर दिया हमने, इसको रिफ्रेश करिए, देखिए एक सेल दूसरी सेल से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, इसको हम अगर 20 कर दें थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक टैग और है अलाइन करके, आप अलाइन सेट कर सकते हैं टेबल का, जैसे कि राइट साइड पे ले जाना है तो आप राइट साइड पे ले जाइए, ये देखिए टेबल राइट साइड पे आ गई, इसको सेंटर कर देते हैं, सेव, तो सेंटर पे आ गई। अगर आपको टेबल में बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो बीजी कलर लिखिए और यहाँ पे दे दीजिए कोई कलर, जैसे कि हमने दिया ग्रीन कलर, सेव किया तो देखिए पूरी टेबल में ग्रीन कलर आ गया। बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो वो आप इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने येलो दे दिया, इमेज लगाना हो तो बीजी कलर की जगह बैकग्राउंड लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे पाथ दे देंगे, तो बैकग्राउंड में इमेज लग जाएगी, ये देखिए। अगर आपको हर एक रो में अलग अलग कलर लगाना है तो आप ये जो बीजी कलर लगाए हुए हैं इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और ये जो टी आर है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे कलर कर दीजिए चेंज। तो क्योंकि आपने फर्स्ट वाले टी आर में लगाया है तो ये फर्स्ट वाले टी आर यानी फर्स्ट वाले टेबल रो का कलर ग्रीन कर देगा, इसको सेव करके देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करके, ये देखिए ऐसे ही एक आपको टी आर सेकेंड वाले पे पेस्ट करना है येलो कलर की जगह पे, हटा के हम कर देते हैं पर्पल, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे देखिए पर्पल हो गया। थर्ड वाली रो में जाते हैं और थर्ड वाली रो में भी हम ऐसे ही इसको पेस्ट करते हैं और कलर कर देते हैं चेंज, हम यहाँ पे करते हैं सैफ्रॉन पेस्ट, तो ये देखिए कलर यहाँ पे आने लग गया। अगर आपको हर एक सेल में अलग अलग करना है, मान लीजिए इस सेल में अलग करना है, इस सेल में अलग करना है, तो फिर आपको यहाँ पे कलर बीजी कलर लगाना होगा, यहाँ पे पेस्ट करिए और यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया रेड, सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए तो रेड कर दिया ऐसे। तो हर सेल में आप अलग अलग कलर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इसमें से कुछ चीज़ें मैं हटाने वाला हूँ, ये कलर जैसे हटा देते हैं, तो हमने कलर यहाँ टेबल से हटा दिया हुआ है, टेबल हमारी ऐसी हो गई है, सेल्स पैडिंग भी यहाँ से हटा देते हैं। तो ये है हमारी टेबल और इसका डेटा। अब देखिए टेबल की सेल में जो डेटा आ रहा है यहाँ कॉर्नर पे आ रहा है, तो जैसे आप सेंटर में इसको लगाए हैं वैसे इसको भी लगा सकते हैं, तो इसको सेंटर में लाने के लिए हमें टी एच बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है,
तो टेबल रो के कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए हमें टी आर में लगाना होता है अलाइन। तो ये जो फर्स्ट वाला टेबल रो है यानी हेडिंग वाला, ये तो ऑलरेडी सेंटर में, इसके लिए लगाने की नीड नहीं है। सेकेंड रो में हम क्या करते हैं, लिखते हैं अलाइन और यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर। इसको सेव करते हैं, प्रोग्राम में आके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये वाली लाइन सेंटर में आ गई। ऐसा ही कुछ हम सेकेंड वाली रो में भी कर देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो ये इसको भी सेंटर में कर देगा। तो इस तरह से HTML में हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल में और भी बहुत सारे फीचर्स और फैसिलिटीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें CSS यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल HTML में टेबल हम लोग इतना ही बना पाते हैं। इसमें कोई इमेज लगा के भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड लिखना है और किसी इमेज की लोकेशन यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ से हमने एक इमेज को राइट क्लिक करके इसका लोकेशन कॉपी कर लिया। इसके बाद हम नोटपैड पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। स्लैश लगा के पिक्चर का नाम भी कॉपी कर लीजिए। पिक्चर का नाम है ये, कॉपी। नोटपैड पे आके इसे कॉपी मारते हैं, पेस्ट मारते हैं और डॉट लगा के फाइल का फॉर्मेट दे देते हैं। तो फॉर्मेट क्या है ये देखिए, लिखा हुआ डॉट JPG। इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे लिखेगा डॉट JPG। इसको सेव कर दीजिए और अपनी फाइल पे जाइए यहाँ और इसको रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये देखिए बैकग्राउंड में एक इमेज लग गई है। बाकी इस पे भी वो टैग आप यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि मार्क्यू टैग हम यहाँ पे लगा देते हैं। मार्क्यू बिहेवियर स्लाइड करेगी, डायरेक्शन दे देते हैं नहीं। और टेबल के बाद में जा करके यहाँ पे लास्ट में मार्क्यू कर देते हैं क्लोज। तो मार्क्यू यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसको सेव करने के बाद अपनी फाइल में जाकर रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने टेबल बनाई थी वो भी यहाँ पे मूव करेगी, जैसे मार्क्यू का जो काम होता है, तो ये टेबल को भी मूव कराएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंकर टैग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।